जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक बेहद खूबसूरत जगह, तो आइए आपको लेकर चलते हैं वहाँ विद कान्हू। कान्हू चलना है? हाँ हमें चलना है, तो चलिए। ठंडा लग रहा है। तीन स्वेटर पहने हो, कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? मैं नहीं दिखाऊंगा। दिख तो नहीं रहा तुम्हारा स्वेटर। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं बलराम जिले के वाड्रफ नगर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर में स्थित बाबा बक्षराज कुंवर धाम में। There is a belief that whatever the devotees make a vow here, they definitely get fulfilled. बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह जगह जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। ये जंगल, पहाड़ और नदी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति माता स्वयं धरती माता की गोद में विराजमान है। बक्षराज कुंवर धाम में श्रद्धालु मन्नत मांगने एवं उसके पूरे होने के बाद बकरा की बलि देने जाते हैं। मेरे ख्याल से जो उचित नहीं है, किसी निर्दोष की जान लेकर खुद की खुशी मांगना बहुत गलत है, लेकिन अंधविश्वास की इस प्रथा को कर भी क्या सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ प्राचीन मंदिर है राजा बक्षराज कुंवर जी की, और पहाड़ पर रानी माँ का मंदिर है जहाँ वो सती हुई थी। यहाँ बैगा के द्वारा नारियल एवं पत्थर से पूजा की जाती है, जो कि उनके ही पूर्वज हैं। कहते हैं जब रानी माँ राजा की मृत्यु के बाद सती हुई थी, तब वो गर्भ से थी। उनके साथ साथ उस शिशु के प्राण पखेरु भी हो गए थे।
एक खास परंपरा की बात करें तो इस धाम में बकरे की बलि के बाद सिर को रखने का अधिकार नीलामी में ठेका प्राप्त करने वालों का होता है, जहां उसकी सर की कीमत लाखों लाख में होती है। आगे चलते हैं। इस धाम के बगल में भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शाम होने को आ रही थी, इसलिए हमें वापस जाना था तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाई थी। और ऊपर से सती माता के जो महल थे वहाँ भी नहीं जा पाई, जो पहाड़ के ऊपर चल कर थे। यदि श्रद्धालुओं की बात करें तो खैर अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं, मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन श्रद्धालु की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ यूपी, बिहार और झारखंड से भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ की स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता है, तो आइए चलते हैं उनके पास जो यहाँ के बैगा बाबा हैं, जो यहाँ पूजा कराते हैं। अब वो बताएंगे हमें कि यहाँ एक राजा रानी की कहानी क्या थी और यहाँ मन्नतें क्यों पूरी होती है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इस नाग देवता की क्या कहानी है। तो चलिए चलते हैं। राजपुर बाबा हैं, वहीं से रानी को भगा के यहाँ लाई लाया था राजपुर बाबा। और अपना स्थान जहाँ रानी पर शक्ति माता हैं वहाँ अपना गढ़ी महल बनाने के लिए सोचा था, बनवा रहा था। वहाँ से शाम सुबह रोज दिन दूध लेने के लिए यहाँ आते थे। यहाँ बथान है, बथान पे हैं बसराजपुर बाबा। रोज दिन शाम सुबह दूध लेने के लिए आते थे। आते 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 वो दोनों बगल में लड़का जो है, वो दो लड़का को लेके, और एक तो वहाँ रानी बनशक्ति माता के पास एक लड़की थी तो वहीं रहती थी। आते आते इन पे चोर डकैत लगे, चोर डकैत लगे थे। इनका पहरदार था नाग देवता सरप। हाँ, तो सरप के चलते वो चोर चोरी नहीं करने पाते, चोरी नहीं करने पाते थे। तो चोर सोचे अब कैसे किया जाए, तो हम लोग इनका चोरी करें। तो क्या हुआ कि नाग देवता को दूध और लवा दिए ना, नाग देवता खाने लगा। इसके बाद नाग देवता को खंडित कर दिए, खंडित कर दिए। खंडित खंडित नाग देवता इस जगह है अभी, उनका वो चेहरा है पत्थर हो गए हैं, सब पत्थरे हो गए हैं, ये भी पत्थर हो गए हैं। तो इसके बाद इनको काट पीट कर जी पलस्त पड़ गए बाबा जी, पलस्त पड़ गए। तो वहाँ रानी माता कढ़ाई में, कढ़ाई वो कुम्हार लोग बनाते हैं, उसमें दूध चुरा रही थी, वो पूरा दूध रकत हो गया। तो रानी माता को समझ में आ गई कि आज तो कुछ ना कुछ क्षति बीत गया, तो क्षति बीत गया तो मैं रह के क्या करूँ। तो तलवार में गर्भवती थी माता रानी, तो तलवार में अपने पेट को काट दी अपने सती। सती होने के बाद क्या हुआ थी किसी को जानकारी, हम लोग का बुजुर्ग है ना थे, उन लोगों को भी पता नहीं। तो कोई आदमी आया यहीं, आया तो देखा लड़की थी, उनका बाल बच्चा, उस लड़की का बाल बच्चा नहीं। तो आया देखे तो बाबा को देखे वहाँ पलस्त पड़ल। तो कहा किया कि बेल पत्ते लेकर आया है, वो अपने से अर्जी बिनती बाबा को मांगा कि ये वही बाबा हो या वही। तो बाद में पता चला कि बसराज कुंवर बाबा हैं। वो कहे कि कोई देवता हो या अगर मोर पुत्र मोर हो जाही तो मैं एक थे बकरा लान के चढ़ा, बेले पत्ते रख के मान भाग कर दिया, उतना ही में इनका मान भाग हो गया। और बाल बच्चा हो गया। इसके बाद आए आए तो यहाँ लेकर आए तो पूजा पाठ शुरू हुआ।
उसी दिन से धीरे 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 पूजा पाठ चलते रहा, चलते 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 अब तो बहुत बढ़ गया और बढ़ गया। बहुत लंबा सरक था ना, क्षेत्र जानते वहाँ इसका चोर के ही नहीं है ना, चारों चोर, चारों चोर तो इसी जगह है, इसी जगह है। सर्प की जो वीडियो देख रहे हैं आप, वो बताया जाता है कि जब लुटेरे यहाँ राजा को मारने आए थे या फिर डकैत कह सकते हैं, तब ये सर्प उनकी रक्षा करता था। लेकिन एक दिन लुटेरों लोगों ने सोचा कि कैसे सर्प को ख़त्म किया जाए, ये तो रक्षक है राजा का, तो दूध और लावा का लालच उन्होंने दिया। और सर्प जैसे ही दूध और लावा पी रहा था, ठीक उसी टाइम लुटेरों ने इस पे वार किया और इसके टुकड़े किए। कहा जाता है कि जिस जैसे जैसे इसके टुकड़े हो रहे थे, ये सर्प आगे की ओर, मतलब इसकी लंबाई बढ़ते जा रही थी, इसकी लंबाई इतनी बड़ी, इसकी टुकड़ों की लंबाई इतनी बड़ी कि वो प्रतापपुर तक गई है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, वो साधारण कोई पत्थर नहीं है, ये उसी सर्प का अंश है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये सब आप देख सकते हैं, काले काले पत्थर पे यहाँ पूजा किया गया है, तो वो सर्प के टुकड़ों को पूजा किया जा रहा है और मन्नत मांगा जाता है उन्हीं सर्प से, यही नाग जी से, जिनकी यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं। जो राजा जी यहाँ पे, मतलब जिनकी समाधि बनी है, वो ये पुजारी जी हैं, यहाँ पूजा करते हैं और झाड़ फूक भी करते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी, सॉरी अगर पता नहीं बनाना है कि नहीं बनाना, मैं बना रही हूँ, सॉरी। सबके नेता देखी आज, जय नेता देखी, मना के बुझाए के सुधार के नेता देखी, रात के भूत के नेता देखी, सबका देना का हिरन मालिक देवता का जानवर सबका ही देखी। आपने अभी जो सुना था यहाँ की स्टोरी, बस राजकुमार की यही स्टोरी थी जो बाबा ने जी ने समझाया था, और वो आप आइए मैं दिखाती हूँ। बक्सराज कुंवर को जब चोरों ने काटा था और उनकी मौत हुई, या फिर जो बोले कि समाधि टाइप जैसा, और आइए सामने से मैं दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में एक लड़की का बच्चा नहीं हो रहा था, और वो लड़की यहाँ पर आई और मन्नत मांगी, और जिसको एक मन्नत में बकरी की बलि देने को कहा गया और उसने दिया, तो उसकी वजह से उसकी मन्नत पूरी हुई। तब से यहाँ पूजा ये स्टार्ट है। सब मन्नत के नारियल, सब मन्नत के नारियल बांधे गए हैं, और यहाँ पे
ये सारे मन्नत के मतलब मानने वो नारियल बांधे गए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। और आगे जाने पे आपको मिलेंगे रानी का महल, जहाँ रानी सती हुई थी जब राजा को मार दिया गया। और उन्हें पता चला कि जब मतलब वो दूध उबाल रही थी और वो दूध गढ़ा हो गया खून के रंग में, तो उन्हें पता चला कि शायद राजा के साथ कुछ हो गया है, तो वो वहीं पे सती हो गई थी। और ये स्टोरी है यहाँ बक्षराज कुंवर की। और आगे चलने के बाद पहाड़ के ऊपर, वहाँ राजा यहाँ पे चोरों के द्वारा मारे गए थे और रानी वहाँ पहाड़ पे सती हुई थी, तो वहाँ पे उनके महल हैं कुछ जो कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ की सबसे अगर कमियों के बारे में देखी जाए, बात की जाए, तो ये बहुत अच्छा जगह बन सकता था और तीर्थ स्थल भी बन सकता था, लेकिन इसमें कमी ये है कि यहाँ रेस्ट हाउस नहीं है किसी मतलब कि जो पर्यटक आते हैं वो उन्हें यहाँ रुकने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं ज़्यादा देर तक। दूसरी कमी देखी जाए तो मैं जब रास्ते में आ रही थी तो देखी कि यहाँ की सड़कें बहुत ही ख़राब हैं, मतलब कि आप छोटी गाड़ी से आओ, छोटी कार से आओ तो उससे आ नहीं सकते, इस तरह से है। बहुत जर्जर कंडीशन है यहाँ की रोड की। और तीसरी बात करें तो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट इतनी धीमी गति से, और मतलब कि यहाँ की रोड की स्थिति आने की भी सही नहीं है, यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मतलब स्वच्छ पानी नहीं है पीने का, कोई खाने पीने का वो सामान उपलब्ध नहीं है कि लोग यहाँ पे खा सके पी सके। मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देने की अगर बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल बन सकता है, और यहाँ की मान्यता भी बहुत कुछ है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। तो छत्तीसगढ़ में एक और जगह मतलब दर्शनीय बन सकती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग वन विभाग द्वारा करीब 37 लाख रुपए लागत से WBM सड़क रपटा सहित बनने से बक्षराज धाम पहुंचना आसान हुआ है, ऐसा रिपोर्टिंग हुई थी। लेकिन मेरी नज़र में मैं जहां तक देख रही हूं, एक टूटी फूटी उजड़ी सड़क के अलावा कुछ डेवलपमेंट का कार्य नहीं दिखा, इसलिए आज भी श्रद्धालुओं को बक्षराज धाम जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में काफ़ी धूल उड़ती रहती है, साथ में ये भय लगा रहता है कि कहीं जानवर हमें खा ना जाए, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया है। यहाँ से रिपोर्टिंग करने वाले लोग सिर्फ झूठी खबरें फैलाते हैं, यहाँ कोई भी कार्य प्रगति पे नहीं है, ना रेस्ट हाउस बना है और ना ही पशुओं से श्रद्धालुओं के बचाव के लिए कांटेदार बाउंड्री का निर्माण किया गया है। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसे 0 नंबर देती हूँ। और दूसरे कमियों की बात की जाए तो यहाँ सफाई का उचित प्रबंध नहीं किया गया है, एक डस्टबिन तक यहाँ नहीं रखा गया है, चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी फैली रहती है, जबकि ये बेहद खूबसूरत जगहों में से एक जगह माना जाता है। दूसरे सर्वे के मुताबिक यहाँ के श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि इसकी फोटोग्राफी का ठेका 25 लाख में दिया गया था, जबकि मुझे तो यहाँ 50 से लेकर 100 के आसपास से ज़्यादा श्रद्धालु नहीं देख रहे हैं। बाय द वे, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, इसलिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ इस बात की। मोरओवर, स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल इज ऑसम, इट इज ऑल्सो लाइक अ पिकनिक स्पॉट, आई विश यू ऑल्सो कम हियर एंड विजिट दिस ब्यूटिफुल सीन ऑफ डेंस फॉरेस्ट एज वेल एज टेम्पल। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.